Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Neetu Bisht and her in-laws. कैसे एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं एंड इंटरनेट पे लड़ रहे हैं, देन फैमिली प्रॉब्लम्स को ना ओपनली ऑडियंस के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी में ना 4 से 5 लोग इन्वॉल्व है, नीतू बिश्ट, देन उनकी मदर इन लॉ बम्मू, देन बम्मू की जो बेटी है ना यानी कि नीतू की सिस्टर इन लॉ कीर्ति रावत, एंड देन देयर इज सैंडी जो करण रावत से ना जल्दी शादी करने वाली है। करण रावत बम्मू का बेटा है, सैंडी एंड करण का रोका हो गया है। इन शॉर्ट सैंडी जो है ना वो बम्मू की होने वाली बहू है। अभी बम्मू के हस्बैंड का नाम ना अर्जुन रावत है। इनको 4 बच्चे हैं, एक लखन जिसकी वाइफ नीतू है, देन करण जिसकी पार्टनर सैंडी है, देन यश रावत उनका और एक बेटा है, एंड कीर्ति रावत उनकी बेटी है। सब इन अवे एक एक करके ना भी सोशल मीडिया पे आ गए हैं, पर जनरली सैंडी जो है ना उसको सोशल मीडिया पे काफी हेट मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सैंडी के आने के बाद ना बम्मू का बिहेवियर नीतू की तरफ ना बदल चुका है। थोड़ा कोल्ड वाइब्स और नीतू को देती है, उससे झगड़ा करने लगती है। इवन बीच में नीतू को नीचा दिखाने के लिए बम्मू जो है ना सैंडी की एक्सट्रीम तारीफ करती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन की वजह से सैंडी को हेट मिलता रहता है, एंड ये जो हेट है वो लगता नहीं नीतू बिस्ट की वजह से मिल रहा है, पर बम्मू का जो सोशल मीडिया पे बिहेवियर रहा है ना वहां से ये सब इनिशिएट हुआ है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे आके इनडायरेक्टली अपनी दोनों डॉटर इन लॉज को ना कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक टू बी डॉटर इन लॉ है स्टिल, पर ये जो कंपैरिजन हो रहा था ना इस वजह से सैंडी को हेट मिलना शुरू हुआ। तो सैंडी ने भी ये हेट पे बात करते हुए वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे शी वाज सीन सेइंग दैट कुछ लोगों ने पीआर टीम को हायर किया है सो दैट उसके अगेंस्ट हेट फैले, लोगों को हेट कमेंट्स करने के वगैरह पैसे दिए जाते हैं। एंड इवन सैंडी ने एक पॉइंट यहाँ पे ये भी रेज किया कि उसको चापलूस बोला जाता है, कि वो बम्मू की काफी चापलूसी करती है, एंड अगर लोगों को ये चापलूसी लगता है तो इट इज फाइन। पर यहाँ पे सैंडी ने किसका नाम नहीं लिया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं इसे चापलूसी, तो चलो चापलूसी समझो इसे। बट सच बताऊं तो मुझे उनसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यार इनका क्या है, ये जो भी है पेड वॉलंटियर्स है, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जिनकी खुद। ये वीडियो देखने के बाद सैंडी के जो ऑडियंस है वो स्पेकुलेट करने लगी कि शायद वो इनडायरेक्टली नीतू बिस्ट एंड लखन जो नीतू का हस्बैंड है ना उसके बारे में बात करी है। यहाँ पे वो शायद ये हिंट करना चाहती है कि दे आर डूइंग दिस पीआर एक्टिविटी अगेंस्ट हर, पर सैंडी ने वीडियो में किसका नाम नहीं लिया था। स्टिल नीतू एंड लखन के व्लॉग्स पे ना इससे रिलेटेड कमेंट्स आने लगे कि कैसे सैंडी पीआर एक्टिविटी की बात कर रही है, जिसके बाद एक इनडायरेक्ट टॉन्ट ना नीतू लखन की तरफ से देखने मिला, जिसमें दे रोट अरे मत करो हेट कमेंट, सुना है बाद में पेमेंट करना पड़ेगा इस सब का। उन्होंने खुद अपने वीडियो के कमेंट में ये लिखा, जिसके बाद सैंडी की तरफ से बिना रिएक्शन आया उसके व्लॉग के कमेंट सेक्शन में, saying that did I mention anyone's name when I said about the paid volunteers, because someone has pinned it and assuring people about the payment in a way। चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बैक एंड फोर्थ नीतू एंड सैंडी में इस तरह टॉन्ट्स पास ऑन किए जा रहे थे। एनी झगड़े के दौरान जो कीर्ति रावत है ना नीतू एंड सैंडी की सिस्टर इन लॉ, उसने ना क्लियरली नीतू बिस्ट का साइड लिया, एंड शी प्रेज नीतू सेइंग दैट कि नीतू यू आर वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, कांट बिलीव इवन एट कोविड टाइम यू वर देयर विद अस ट्राइंग टू मेक मनी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, यू आर सेल्फ मेड वुमन, प्राउड ऑफ यू। एंड देन और एक कॉमेंट था कीर्ति का, जिसमें शी रोट डिड आई मेंशन एनीवंस नेम व्हेन आई सेड चापलूस, बट इफ द शू फिट्स वेयर इट्स सिंड्रेला, चोर की दाढ़ी में तिनका। मे बी सैंडी ने अपने वीडियो में जो चापलूस वाला टॉपिक को टच किया था एंड ये बोला था कि उसको चापलूस बुलाया जाता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ ये लिखा होगा। वॉट एवर इट वॉज, ये लोग जो है ना कॉमेंट्स वाया बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को टॉन्ट्स मारे थे, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट बहुत कन्फ्यूजिंग था, बिकॉज लेटर ऑन वो डिलीट भी कर देते अपना कॉमेंट, जिस वजह से ये क्यों हुआ एंड इतना एक्सट्रीम चीजें क्यों गई वो क्लियर नहीं है। पर इसके बाद ना चीजें और ज्यादा अगली होने लगी, एक दूसरे को इनडायरेक्टली गोल्ड डिगर बुलाया जा रहा था। कीर्ति ने वो जो चापलूस कमेंट किया था ना उसके रिप्लाई में सैंडी ने लिखा, एट लीस्ट आई एम नॉट बैंकक्रप्ट एंड सेलिंग माय फैमिलीज गिफ्टेड ज्वेलरी टू बाय न्यू क्लोथ्स। अब ये जो टॉन्ट है ना वो नीतू एंड लखन के लिए नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट बैंकक्रप्ट, जिस वजह से ये कीर्ति के लिए था ऐसा लग रहा है। एंड कीर्ति ने भी रिस्पॉन्स दिया सैंडी को, इनडायरेक्टली उसने उसको ना गोल्ड डिगर बुला दिया। कीर्ति सेड यू कैन नेवर बी बैंकक्रप्ट, घर ही ऐसा पकड़ा है आपने कि फ्लाइट सारी शॉपिंग सारी ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, बिजनेस भी दूसरों का कर रही हो, फेम भी दूसरों का ले रही हो, पैसे पर रैश भी ना दूसरों के कर रही हो, सही हाथ मारा है। हनी यू विल नेवर हैव टू स्ट्रगल और सेल एनीथिंग टू बाय एनीथिंग, यू हैव द फैमिली। जिस पे सैंडी ने रिस्पॉन्स दिया, फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ समवन्स इंस्पिरेशन, लिविंग इन अ 6 crore फ्लैट विदाउट अ पेनी, समवन डिड इट इवन बिफोर इट वॉज कूल। अभी ऐसे जो हार्श वर्ड्स थे ना वो दोनों साइड से देखने मिले, एंड और भी कई चीजें उन्होंने कॉमेंट्स में एक दूसरे के लिए लिखी होगी, बट एज आई सेड वो लिख रहे थे एंड फिर निकाल रहे थे। बट जो भी हो दिस वॉज वेरी मेसी, पर्सनल चीज है जिसके बारे में उनकी ऑडियंस को शायद पता भी नहीं था, वो भी एक दूसरे के बारे में दे वर एक्सपोजिंग। इस पूरे ड्रामा के दौरान बम्मू एंड उसके हस्बैंड अर्जुन रावत जो है ना उन्होंने सैंडी का साइड लिया
एंड दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि कीर्ति जो है वो उनकी बेटी है. तो वो लोग एक साइड पे हो गए, नीतू एंड कीर्ति जो है ना वो एक साइड पे हो गए. सी नाउ यू विल से कि तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने साइड लिया. तो ऑफकोर्स डायरेक्टली वो ओपनली कभी नहीं बोलते, पर क्लियरली सोशल मीडिया पे जाके उन्होंने क्या किया ना कि नीतू बिष्ट एंड कीर्ति रावत को अनफॉलो कर दिया. बम्मू जो है वो कीर्ति एंड नीतू को फॉलो नहीं कर रही, बट सैंडी को कर रही है. एंड सैंडी भी सेम नीतू एंड कीर्ति को फॉलो नहीं कर रही. एंड नीतू एंड कीर्ति ने भी सेम किया, उन्होंने बम्मू एंड सैंडी को अनफॉलो कर दिया. तो आज के सोशल मीडिया एरा में ना साइड लेना मतलब किसको फॉलो अनफॉलो करना. एंड होता क्या है ना कि बम्मू एंड अर्जुन रावत को अगर सैंडी का साइड लेना है तो वो इनडायरेक्ट तरीके से ना सैंडी की तारीफ करने लग जाते अपने वीडियोस में. जब भी उनके बहू के बीच में ना झगड़ा हो जाता ना, तब दे सडनली रिमेम्बर कि अरे एक बहू की तारीफ करनी है. अभी नो डाउट ये जो झगड़ा था वो फेस टू फेस भी रिजोल्व हो सकता था, इतने पेटी रीजंस के चलते इंटरनेट पे एक दूसरे को इतना सब बोलना वॉज एक्सट्रीम. जेलसी, इनसिक्योरिटी, देन कॉम्पिटिशन, ये सब ऐसी फीलिंग्स है ना जो ज्वाइंट फैमिली में एक पॉइंट पे हर कोई फील करता है. एंड अगर आपकी जॉइंट फैमिली एंड ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करने हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये केस में जैसे बम्मू एंड उसके हस्बैंड ओपनली साइड्स ले रहे थे ना, वो अवॉइड किया जाए. रीजन बीइंग, कीर्ति ऑब्वियसली सैंडी को और ज्यादा हेट करेगी इफ शी सीज कि उनकी जो मदर है वो उसका साथ नहीं दे रही एंड सैंडी का साथ दे रही है. एंड इनकेस बम्मू कीर्ति एंड नीतू का साथ देती तो सैंडी को बुरा लगेगा दैट हर फ्यूचर मदर इन लॉ इज ट्रीटिंग हर अनफेयरली, उसको अलग सा फील कराया जा रहा है. सो इट इज़ बेटर कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग साइड्स ना, दे ट्राई टू रिजॉल्व दिस इंटरनली, क्योंकि वो घर के बड़े हैं एंड कहीं ना कहीं बच्चे उनका वैलिडेशन सीख करने का ट्राई कर रहे हैं. एंड ऐसे प्रॉब्लम्स जो है ना वो जनरली कांस्टेंट कंपैरिजन की वजह से होते हैं. जैसे काफी वक्त पहले बम्मू इनडायरेक्टली कंपेयर्ड सैंडी टू नीतू, सेइंग दैट कि सैंडी के गुण अच्छे हैं, उसके पैर अच्छे हैं, उसके घर में आते ही सब अच्छा होने लगा, उसको अच्छी परवरिश दी गई है. सैंडी हमारे घर के लिए इतनी शुभ है और इतना उसके मतलब अच्छे पैर हमारे घर में पड़ रहे हैं, और मतलब ये देखा जाता है कि लड़की के पैर कैसे पड़ रहे हैं हमारे घर में, तो ये देखा जाता है कि उसमें संस्कार कितने अच्छे हैं और कितना मेरा ख्याल रखती है. ये सब सुन के नीतू को कैसा लगेगा, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? क्या जब नीतू घर में आई थी तब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था? ऑब्वियसली उन्होंने नीतू के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, पर ऐसे जब आप एक पर्सन को सारा क्रेडिट दोगे तो दूसरे को बुरा लगेगा. एंड ये सब बम्मू तब कर रही थी जब बम्मू और नीतू में ना ऑलरेडी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे थे. हाँ, अगर किसका बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो उस स्पेसिफिक दिन पे किसको स्पेशल फील कराना, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर वीडियोस कभी देखना बम्मू के इंटेंशंस आपको समझ जाएंगे दैट इनडायरेक्टली व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू. एंड ये बिहेवियर की वजह से ना फॉर नो रीजन आप सैंडी एंड नीतू का रिलेशन खराब कर रहे हो. एंड फिर से अभी कुछ दिन पहले अर्जुन रावत जो है बम्मू के हस्बैंड, वो अपने बेटे करण एंड उनकी होने वाली बहू सैंडी की ना काफी तारीफ करते हुए दिखाई दिए. करण की, सैंडी की, या हमारे उसके बारे में अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा. क्योंकि जिस समय आप लोग कमेंट्स और मैसेज खेल रहे थे ना, उस समय करण और सैंडी एक बहुत बड़े बिजनेस की डील कर रहे थे जो हो भी गई, और मेरा भी कल एक बहुत बड़ा एक मुझे टेंडर भी मिला है कल. तब सोचो लखन एंड कीर्ति को कैसा लगा होगा जो उनके दूसरे बच्चे हैं. अगेन तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई बच्चा अच्छा कर रहा है देन डू इट, पर टाइमिंग काफी फिशी था. ऑलरेडी जब इन सब में प्रॉब्लम हो रहा था, सब लड़ रहे थे, उसके बीच में यू डिसाइड कि आप दो लोगों की तारीफ करोगे, देन ऐसा करके ना आप ये इशू को और ज्यादा बढ़ा रहे हो. इफ एक्चुअली कीर्ति स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली तो हाउ विल शी फील कि उसके डैड ओपनली दूसरों का अच्छा बोल रहे हैं, वो भी उस वक्त पे जब सैंडी उसे ओपनली बैंकक्रप्ट बुला रही है. सबके घर में ना इश्यूज होते हैं, पर फैमिली प्रॉब्लम्स को जब आप इंटरनेट पे डालोगे आपके ऑडियंस के सामने तो ऑब्वियस ही चीज है देखने वाले ओपिनियंस क्रिएट करेंगे. एंड मेजॉरिटी लोग जो थे ना वो नीति एंड कीर्ति को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए एंड सैंडी को चापलूस का टैग देते हुए दिखाई दिए. बम्मू को भी हेट मिल रहा था जिस वजह से सैंडी एंड बम्मू को अपना कॉमेंट सेक्शन भी थोड़े टाइम बाद बंद करना पड़ा. ये कॉमेंट्स भी किए जा रहे थे कि सैंडी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, स्टिल शी इज क्रिएटिंग सो मच इश्यूज इन दिस फैमिली, वो कीर्ति से ऐसे बात कर रही है. बट आई फील कि ऐसे कंक्लूजन्स बनाना ना गलत है, जैसे कि लोग पूरा ब्लेम सैंडी पे डाल रहे हैं दैट शी इज मैनिपुलेटिंग बम्मू एंड हेंस बम्मू जो है ना वो नीतू को अभी नापसंद करने लगी है. क्योंकि कई घरों में आपने ये होता हुआ देखा होगा, बट रावत फैमिली के केस में वी डोंट नो व्हाट द रियल इशू इज. पॉसिबिलिटी है कि वो भड़का रही होगी बम्मू को, एंड अगर वो ये कर रही है तो वो फॉल्ट में है, पर बम्मू भी कोई छोटी बच्ची नहीं है. इफ शी इज गेटिंग मैनिपुलेटेड सो इजीली देन दैट इज जस्ट एब्सर्ड. एंड सीम्स लाइक ना बम्मू थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है. कभी उनके व्लॉग्स देखना एंड बात करने का स्टाइल देखना, इट सीम्स एज इफ उनको जो इम्पोर्टेंस देगा, एक्सट्रीम अफेक्शन दिखाएगा, उनके हाँ में हाँ मिलाएगा, वो पर्सन उसका फेवरेट हो जाता है, फिर चाहे वो दिखावे का केयर ही क्यों ना हो. एंड दैट इज अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर. मतलब मम्मी पापा जो भी मेरे काम होंगे जो भी होगा, वो आज तक भी एक पैसा अपने पास नहीं रखता, सारे पैसे हमें देता है, अपने पापा को देता है. अभी तो ये फैमिली में सिर्फ लखन एंड करण के पार्टनर्स आए हैं, कल जाके यश भी अगर शादी करता है एंड तीसरी बहू आती है, एंड अगर वो तीसरी बहू बम्मू के तरफ ज्यादा प्यार शो करती है,
फिर क्या वो सैंडी के अगेंस्ट भी हो जाएगी? तो ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है बाय भम्मू एंड अर्जुन रावत, जहाँ पे वो अपने बच्चों में फेवरेट्स चुनते हैं, ये देखते हैं कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन उनकी बातें मानता है, संस्कार किसके अच्छे हैं, दैट इज वेरी टॉक्सिक। बिकॉज इससे क्या हो रहा है ना कि उनके बच्चों में एक अननेसेसरी कॉम्पिटिशन क्रिएट हो रहा है कि भम्मू एंड अर्जुन किससे ज्यादा क्लोज है, किसके साइड में है, जो नहीं होना चाहिए। सी आई नो दिस कि मन में ना सबका एक फेवरेट होता ही है, जस्ट दैट डोंट मेक इट वेरी ऑब्वियस, बिकॉज फिर आप ही अपने फैमिली के रिश्ते खराब करोगे। एंड जब एक घर में इतने सारे लोग होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, तो एट टाइम्स क्लैशेस होंगे ही होंगे। दैट इज समथिंग जो अवॉइड करना काफी हार्ड है, पर हाउ यू डील विद इट मेक्स और ब्रेक्स दैट रिलेशन। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नीतू कीर्ति एंड सैंडी के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वॉन्ट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।